नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। हापुड़ के जैन कन्या इंटर कॉलेज सरकारी विद्यालय में प्रधानाचार्य के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई, जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा बच्चों को क्लासिकल डांस में कथक नृत्य का अभ्यास करवाया जा रहा है। वेस्टर्न डांस के प्रति बच्चों का रुझान अधिक होने की वजह से बच्चे अपने कल्चरल डांस से दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए प्रधानाचार्य ने इस पहल की शुरुआत की है ताकि बच्चे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े रहें। बच्चों को कथक डांस की ट्रेनिंग देने के लिए मशहूर कथक डांसर बिरजू महाराज के शिष्य विकास कुमार पहुंचे हैं, जो कि 6 दिनों तक ट्रेनिंग देंगे। ये है कि हम एजुकेशन कर रहे हैं, इसमें एक अलग आप रिस्पेक्ट बना सकते हैं, आप एक अलग एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जो इसमें कर सकते हैं। जैसे आप PhD कर सकते हैं, जो मास्टर्स है वो इस फील्ड में भी हम रह के इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये सिर्फ इंटरटेन का साधन नहीं है, हम इसमें करियर भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें सबको सीखना चाहिए, क्योंकि वो तो हम जो और ये डांस जो होते हैं उनको हम ऐसे ही सीख जाते हैं, लेकिन ये देखने में थोड़े हार्ड है, लेकिन हम जब सीखेंगे तो हमें आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, सर भी बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हमारे छात्र, जो हमारे जो बच्चे हैं, वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरफ ही जा रहे हैं। जो अपना जो शास्त्रीय संगीत है, जो शास्त्रीय नृत्य है, उसकी तरफ हम भूल गए हैं, तो हम वापस लौटें, उस नृत्य की तरफ लौटें, क्योंकि यही नृत्य है जो जीवन में संतुलन लाते हैं, साधना लाते हैं। बलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। बिचला घाट चौकी के अंतर्गत पुलिस ने एक व्यक्ति समेत भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। दरअसल मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने एक कार का पीछा किया, जिससे घबराकर कार चालक कार से भागने लगा, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को चकमा देकर दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। बलिया में पराली जलाने के मामले में SDM सदर अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने नरही थाना क्षेत्र के करीब 16 किसानों पर जुर्माना लगाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने संज्ञान लेते हुए किसानों पर कार्रवाई की है। पराली जलाए जाने की वजह से सभी किसानों को 2,500 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी, जिसका भुगतान सोमवार तक किया जाएगा। दरअसल प्रदेश भर में फैल रहे प्रदूषण की वजह से ये कदम उठाया गया है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने जिले के DM और SSP को निर्देशित किया था कि पराली जलाए जाने के मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी। कौशाम्बी में एक दर्दनाक हादसा होने से एक मजदूर की मौत हो गई। कोखराज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर बझा गांव में मिट्टी की खुदाई के दौरान एक टीला ढह गया, जिसमें 2 मजदूर दब गए, जिसके बाद रेस्क्यू के दौरान दोनों मजदूरों को निकाला गया। हादसे में दब घुटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। कौशाम्बी के सैनी बस अड्डे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर बदमाशों की घेराबंदी करने गई पुलिस पार्टी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाशों को घेरा, तो 5 बदमाशों ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने तमंचे और कारतूस समेत 35 स्मार्टफोन बरामद किए। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ चोरी लूट की कई वारदातें थानों में दर्ज हैं। थाना सैनी क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप में रात्रि के दौरान एक चोरी हुई थी, जिसमें से कि कुछ चोर जो है वो अंदर घुस के उसका शटर उठाकर वो अंदर घुसे, और उसके बाद वहाँ रखे जो स्मार्टफोन्स थे उसको उन्होंने चुरा लिया। उसके अलावा वहाँ पे स्वाइप मशीन्स थी, जिससे कि हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, 2 स्वाइप मशीन थी वो भी ले गए, कुछ कैश ले गए थे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने स्वास्थ्य विभाग की 108 एम्बुलेंस में एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे हर जगह खुशी की लहर है। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस डिलीवरी के लिए गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही थी, तभी महिला ने एम्बुलेंस में ही पुत्र को जन्म दे दिया। 108 एम्बुलेंस में मौजूद आशा ने जहां महिला की डिलीवरी करवाई, वहीं गढ़ रोड स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर सूचना मिलते ही स्वास्थ्य कर्मचारी महिला को भर्ती करवाने के लिए अस्पताल के बाहर खड़े दिखाई दिए। गाँव में से निकले और रात के एम्बुलेंस में डिलीवरी हो गई, तो हमने करा दी एम्बुलेंस। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए आप लोग? इसके लिए कि हम ट्रेंड करा जाए, ताकि हम आने वाली स्थिति को अच्छे से। हमीरपुर जिले के भारतीय किसान यूनियन के सदस्य अपनी मासिक पंचायत के साथ ही किसानों की समस्या को लेकर अनशन पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि विद्युत व्यवस्था को ठीक किया जाए, गांव की पेयजल समस्या दूर की जाए, अन्न प्रथा से किसानों को निजात दिलाई जाए, बैंक के द्वारा किसानों के शोषण को बंद किया जाए, बुंदेलखंड के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, बुंदेलखंड के प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, किसानों से कर्ज वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। आज हमारी मासिक पंचायत है भारतीय किसान यूनियन की। जिले में किसान समस्याग्रस्त चल रहा है, विद्युत और यांत्रिक दोष से ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं, खेतों को पानी नहीं मिल रहा है, किसान पलेवा के लिए परेशान है।
महीने में एक बार 21 तारीख को सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग जो है यहाँ बैठते हैं और ज्ञापन बना के किसानों की तैयार करते हैं और ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं। हमीरपुर जिले के बेवरा थाना क्षेत्र के महेरा गांव में 30 अक्टूबर को गांव के पास रोड के किनारे मिले युवक के शव मामले में परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाया। पुलिस इस मामले को सड़क दुर्घटना मान रही है। हर जगह फरियाद करने के बाद भी मृतक का परिवार अनशन पर बैठ गया और मामले की पुनः जांच कर न्याय दिलाने की मांग करने लगा। मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव के ही युवक उसके बेटे को अपने साथ ले गए और उसकी हत्या कर दी। हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही है। हम हर जगह फिर चुके हैं, नखलऊ तक हमारी बात पहुंची है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। जहीं देखो जहीं जाओ कह रहे हैं झूठ फंसा रहा है, झूठ फंसा रहा है। घटना ये मॉडल हुआ है और ये घर से लेके हमारे गया है, सारा दिन नहीं वापसी लेके आया ना सारी रात आया। हम लोगों ने कॉल किया तो बोला मैं करण के साथ हूँ, और फिर इसके बाद जब सारी रात हो गया इसका फोन नहीं लगा, तो पापा ढूंढने के लिए निकले तो मान लो रोड के किनारे बॉडी मिली है उसकी। हरदोई में पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे 20,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पा ली। ये अपराधी डकैत के मामलों में फरार चल रहा था और इसके ऊपर 20,000 का इनाम भी घोषित था। एसपी के मुताबिक पुलिस से बचने के लिए ये उन्नाव में रह रहा था। इसके पास से एक तमंचा 2 कारतूस बरामद किए गए। एसपी के मुताबिक पुलिस ने जब इसकी तलाश शुरू की तो ये भाग निकला और उन्नाव जनपद में रहने लगा। एसपी के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। ये एक नफीस नाम का मुलजिम है जो पिछले 4 सालों से एक डकैती की योजना बनाने के मुकदमे में फरार चल रहा था और पुलिस ने 4 सालों के बाद ढूंढ करके इसको निकाला है। उसे गिरफ्तारी हासिल हुई है। मुठभेड़ के बाद उसके कब्जे से 15 का तमंचा बरामद हुआ है। उसका आपराधिक इतिहास अभी तक जो पता चला है वो कुछ मुकदमों का है। हरदोई के जिला कारागार में हत्या के मामले में बंद एक कैदी की मौत हो गई। मृतक के भाई ने जेलर पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं जेल अधीक्षक ने बीमारी से मौत का कारण बताया। जेल अधीक्षक का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हुआ, हमारा भाई अंदर था, कुछ बीमारी थी, जेलर साहब कोई बातचीत हो गई, उन्होंने पीटा इनको एक बार 3 महीना पहले। इसके बाद जैसे उनने वहाँ ले गए लखनऊ गेट पर तक, 16 तारीख हमारी थी, मैंने तारीख की, हमारे भाई ने कहा इनने कोई दवा नहीं दिलाई, कोई वो नहीं किया, कुछ नहीं किया। बाद में आकर जेल में भीतर कर दिया, अपने भीतर कुछ कर किया। वो विगत पिछले 4 वर्षों से उसे एड्रेनल ग्लैंड पे मांस का टुकड़ा एकत्र हो रहा था, उसका इलाज उसका केजीएमसी से चल रहा था और अभी भी रिसेंटली वो परसों हमारे यहाँ से केजीएमसी भेजा गया था। केजीएमसी में उसका ट्रीटमेंट हुआ और उसको फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख के वापस भेजा गया था, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आज उसे यहाँ से जिला चिकित्सालय भेजा भी जाना था, जिस संदर्भ में पुलिस गार्ज भी आई, लेकिन उससे पहले ही उसके स्वास्थ्य की कंडीशन अच्छी नहीं पाई गई। आज नेताओं ने भले ही एम्बेसडर कार बदलकर लग्जरी गाड़ियों को अपना लिया हो, लेकिन बाराबंकी जिले के बुजुर्ग नेता राम सागर रावत समाजवादी पार्टी में काफी पुराने हैं और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं। पूर्व में 4 बार सांसद और 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। वो आज भी एम्बेसडर कार में चलते हैं। राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने अपनी एम्बेसडर कार नहीं बदली। 1958 से देश के बड़े राजनेताओं, उद्योगपतियों और सरकार की सबसे पसंदीदा गाड़ी 2014 में भले ही बिकना बंद हो गई हो, लेकिन आज भी बाराबंकी के ये नेता एम्बेसडर कार में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। असल में हम लोकसभा में 4 बार रहे तो हमने एम्बेसडर शुरू में लिया था और 2004 में ये लिया था, तो ये पुराने ज़माने की गाड़ी है, इसकी रफ्तार भी मीडियम है और ये गाड़ी जो है वो थोड़ा सुरक्षित भी है। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।